समृद्धि में अक्सर मंगलाचरण करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। ॐ ॐ नमो अरहन्तानम् ॐ ॐ नमो सिद्धानम् ॐ ॐ नमो आयरियानम् नमो वच्छायानम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् एषो पञ्च नमोकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पाढमं हवै मङ्गलम्। वंदा में समय जी, आदरणीय समय जी, विद्वानगण और सब स्वाध्याय, आप सबका स्वागत करती हूँ आज ये जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के द्वारा शुरू की गई प्रज्ञापय सूत्र की श्रृंखला का चौथा स्वाध्याय है। ये कोर्स में जानने के योग्य और कह जाए सके ऐसी सब बातों जीव और अजीव राशियों के बारे में बताया है, वो हम जानेंगे। आगे हमने रूपी और अरूपी जीव, अजीव उनके बारे में समझा। पिछले सेशन में हमने जीव तत्वों में समूचीन अपर्याप्तता, पर्याप्तता, सूक्ष्म और बाद विविध एकेंद्रीय जीवों के बारे में समझा। आगे हम त्रस्तकाय जीवों के बारे में समझेंगे। यह प्रवचन श्रृंखला में हमें समृद्धि श्री चैतन्य प्रज्ञा जी, जो हाल में फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक है और जैन शास्त्रों पे जिनका प्रभुत्व है, उनसे सीखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। पार्टिसिपेंट के प्रश्नों को अंत में लिया जाएगा। तब तक आप सभी को अपना माइक म्यूट रखने के लिए मैं विनती करती हूँ। मैं समृद्धि से आगे का बताने के लिए अनुरोध करती हूँ। समृद्धि का इस मंच पे स्वागत है। समीर जी आपका स्वागत है। हाँ, मैं शुरू कर रही हूँ। तो पिछले हमने तीन लेक्चर्स में प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम अध्याय के अंतर्गत तीन जो वक्तव्य हुए हैं, उनमें विशेष रूप से हमने अजीव तत्व को समझने की कोशिश की थी और फिर जीव तत्व की चर्चा को प्रारंभ किया था और उसमें एकेंद्रीय जीवों के स्वरूप के बारे में हमने डिटेल में विस्तार से चर्चा की है। आज हम एकेंद्रीय जीव, जिन्हें स्थावर जीव कहा जाता है, उसकी चर्चा को तो हम फिनिश कर चुके हैं, किंतु आज हम त्रस जीवों के बारे में जानकारी करेंगे कि त्रस जीव कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस विश्व में और इस विषय में जैन का क्या चिंतन है। तो हम ये देख रहे हैं कि त्रस काय के अंतर्गत दो इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय तक के प्राणी आते हैं। दो इंद्रिय से लेकर तीन पांच इंद्रिय तक के जितने भी प्राणी होते हैं, दो इंद्रिय का मतलब है कि
प्रथम इंद्री जो स्थावर जीव होते हैं उनके पास केवल स्पर्शन इंद्री होती है, अर्थात उनके पास केवल बॉडी है और ज्ञान का एक ही माध्यम है, उनकी जो स्किन है, त्वचा है, उसके द्वारा ही वो चीजों को सेंस करके जानते हैं। तो उनके पास एक ही इंद्री है, किंतु जो दो इंद्री वाले प्राणी होते हैं उनके पास ज्ञान के दो साधन हैं, वो त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा टच करके भी चीजों को जान सकते हैं और साथ साथ में जिह्वा के द्वारा टच किसी चीज का टेस्ट करके भी जान सकते हैं कि कोई चीज उनके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, उनके लिए हार्मफुल है या उनके लिए फायदेमंद है। तो वो टंग के द्वारा भी किसी चीज को टेस्ट करके जान सकते हैं। तीन इंद्री वाले प्राणियों के पास में एक इंद्री और बढ़ जाती है जिसे हम घ्राण इंद्री कहते हैं, वो स्मेल करके भी जान सकते हैं। चार इंद्री वाले प्राणियों के पास में एक और इंद्री बढ़ जाती है जिसे हम चक्षु कहते हैं, आंख कहते हैं, और आंखों के द्वारा देख करके भी वो जान सकते हैं। और पांच इंद्री वाले प्राणियों के पास में पांचों इंद्रियां मतलब श्रोत्र इंद्रिय भी एड हो जाती है जिससे कि कान से सुन करके भी आप शब्दों को जान सकते हैं। तो ये पांच इंद्रियां हमारे एक प्रकार से ज्ञान के साधन है और इनको इंद्री कहने का एक प्रयोजन ये है कि आत्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आत्मा अपने आप में इंद्र है, बहुत ऐश्वर्य संपन्न है, उसके पास में अनंत शक्तियां हैं, इसलिए वो इंद्र की तरह अपने आप में उच्च तत्व है और जिसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, तो उसका वो उपयोग किस तरह से करती है उसके ऊपर है और कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका डेवलपमेंट किस रूप में, कहाँ, किस योनि में होता है। तो ये पांच इंद्रियां कम से कम उसकी ऐसी सोर्स है जिससे कि आप आत्मा फिजिकल लेवल पर काम करती है ना। सो ये पांच इंद्रियों के माध्यम से वो फिजिकल वर्ल्ड से कॉन्टेक्ट करती है, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो भी जानकारी करना है वो करती है, उसका जिस रूप में उपयोग करना चाहती है उस रूप में करती है। तो ये पांच इंद्रियां एक तरह से आत्मा को एक्सप्रेस करने के साधन है फिजिकल लेवल पर, जो विभिन्न प्रकार की एक तरह से कॉन्शियसनेस के ही पर्टिकुलर फॉर्म्स कह सकते हैं आप। सो ये कॉन्शियसनेस किस तरह से एक्सप्रेस होती है इन इंद्रियों के माध्यम से, वही एक तरह से इंद्रिय कही गई है, यानी ज्ञान के साधन कहे गए हैं। अब दो इंद्री वाले प्राणियों के बारे में कहा जाता है कि इनकी 2,00,000 योनियां हैं, तीन इंद्री वाले प्राणियों की भी 2,00,000 योनियां हैं, चार इंद्री वाले प्राणियों की भी 2,00,000 योनियां। आप अपना म्यूट रखिएगा प्लीज। सो चार इंद्री वाले प्राणियों की भी जो है 2,00,000 इंद्रियां योनियां कही गई है। पांच इंद्री वाले प्राणियों के संदर्भ में कहा जाता है कि उनकी अलग अलग नंबर वेरी करेगा। सो नरक के जो प्राणी हैं वो 4,00,000 योनियां उनकी मानी गई है। तिर्यंच जो हुए, पांच इंद्री वाले जो तिर्यंच प्राणी हैं उनकी भी 4,00,000 योनियां मानी गई है और मनुष्य की 14,00,000 योनियां मानी गई है और देवता की भी 4,00,000 योनियां मानी गई है। ऐसे टोटल अगर हम देखें तो ये 32,00,000 फिगर बनना है, जिनको बर्थ प्लेसेस या स्ट्रक्चर या रिसेप्टिकल्स जो भी आप कहना चाहें। सो ये 32,00,000 योनियां केवल त्रसकाय जीवों की बनती है, 84,00,000 योनियों में से 32,00,000 योनियां त्रसकाय जीवों से संबंध रखती है और ये सारे जीव भी दो दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त की कैटेगरी के। तो दोनों ही तरह के जीव हो पाए जाते हैं सृष्टि में, पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं, और कहा जाता है पर्याप्त के सहारे असंख्य अपर्याप्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। अब थोड़ा सा विस्तार से हमें समझने की कोशिश करें कि ये पांच इंद्री वाले जो प्राणी होते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो त्रसकाय, विशेष रूप से त्रसकाय जीवों की उत्पत्ति किस तरह से होती है। एक इंद्रिय जीवों के बारे में तो हम जानते हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो ये नेचुरल जो सोर्सेस हैं वो उसके बारे में हमें काफी कुछ जानकारी है ही, किंतु अभी हम त्रसकाय जीवों के संदर्भ में देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति की क्या प्रक्रिया है और उसमें एक इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति की प्रक्रिया भी सामने आती है। सो तीन तरह से जीवों की उत्पत्ति होती है। उत्पादश कहलाती है, उत्पाद एक प्रक्रिया कहलाती है,
समुच्छिम एक प्रक्रिया कहलाती है और गर्भज एक प्रक्रिया कहलाती है। इन जीवों की उत्पत्ति इस तीन तरीकों से होती है। तो जो उत्पाद प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं वो या तो देवता होते हैं या नरक के प्राणी होते हैं, जिनकी जो उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, जिसमें वो एक स्थान विशेष में पैदा होते हैं और उस स्थान विशेष का एक पर्टिकुलर आकार होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो वो सीधे वहीं पर उत्पन्न होते हैं और एक तरह से कहा जाता है देवता के बारे में कि जब वो पैदा होते हैं तो वो 32 वर्ष के युवक की भांति यंग होते हैं और वह जिस स्थान पर वो पैदा होते हैं वो एक प्रकार से शैया की टाइप का होता है, बेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहां वो पैदा होते हैं और सीधे 32 वर्ष के युवा की भांति होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर। इसी तरह से नरक के प्राणी के बारे में कहा जाता है कि वो नरक में कुछ इस तरह से दीवारों में जैसे छेद होते हैं उस तरह के स्थान बने हुए हैं जिन्हें कुंभी कहा जाता है और अंदर से वो बहुत चौड़ी होती है किंतु उसका मुख बहुत संकड़ा होता है और उसमें वो जीव उत्पन्न होते हैं। तो जब उन जीवों को बाहर निकाला जाता है तो शरीर तो उनका बहुत बड़ा है किंतु जो कुंभी का मुख है वो बहुत छोटा होता है। तो जब उनको निकालना होता है तो कैसे निकाला जाए, तो कभी कभी उनके टुकड़े करके निकाला जाता है और फिर वापस वो पारे की भांति उनका शरीर वापस जुड़ जाता है। तो ये उत्पादज प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पाद प्रक्रिया से ये देवता और नरक के प्राणी उत्पन्न होते हैं। समुच्छिम प्राणी के बारे में कहा गया है कि एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय, असंगी का मतलब होता है कि जिनमें माइंड का डेवलपमेंट नहीं है, ऐसे 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव है, तो एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं उनके पास में माइंड का डेवलपमेंट नहीं होता है और वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान करते हैं, जो कुछ करते हैं उनकी जो इंद्रिया उपलब्ध है। तो उन जीवों की जो उत्पत्ति है वो समुच्छिम मानी गई है। समुच्छिम अर्थात वो माता पिता के गर्भ प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं होते हैं, उनको अनुकूल वातावरण जहाँ कहीं मिलता है उस वातावरण में उनकी उत्पत्ति होती है। तो कहीं वातावरण अनुकूल होता है तो उत्पन्न हो जाते हैं, अनुकूल नहीं होता तो उन जीवों की उत्पत्ति नहीं भी होती है या प्रतिकूल वातावरण पैदा होने पर वो समाप्त भी हो जाते हैं। तो ये समुच्छिम जीव जो है बिना गर्भज प्रक्रिया के या माता पिता के संयोग के बिना जहाँ कहीं इनको अनुकूल वातावरण मिलता है, कंड्यूसिव एनवायरमेंट मिलता है, वहीं इन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और गर्भज जो है वो विशेष रूप से 3 तरह के गर्भज प्राणी होते हैं, जरायुज, अंडज और पोतज। जरायुज का मतलब होता है कि जो जन्म लेने के समय में किसी झिल्ली में लिपटे हुए होते हैं, मेम्ब्रेन में लिपटे हुए होते हैं। तो जैसे मनुष्य हैं, गाय भैंस के बच्चे हैं, तो ये किसी झिल्ली के अंदर होते हैं और उस कारण से इनको जरायुज कहा जाता है। अंडज वो होते हैं जो अंडों से पैदा होते हैं, तो जितने भी पक्षी हैं वो प्राय करके अंडों से ही पैदा होते हैं, और भी कुछ इस तरह के प्राणी हो सकते हैं। सो कहने का मतलब है जो भी अंडों से पैदा होते हैं वो अंडज कहलाते हैं। और पोतज उन्हें कहा जाता है जो खुले अंगों के साथ पैदा होते हैं। तो कई पशु में जो उत्पत्ति होती है तो उनके अंग खुले हुए होते हैं, नहीं वो किसी झिल्ली में लिपटे हुए नहीं होते, ओपन होते हैं। तो ये पोतज जो है उस तरह के पंचेंद्रीय प्राणी माने गए हैं जो खुले अंगों के साथ पैदा होते हैं, किसी प्रकार के मेम्ब्रेन में लिपटे हुए नहीं होते। ये मैं थोड़ा सा ऐड करना भूल गई हूँ, सो जस्ट आपको इस आगे की प्रक्रिया में नहीं जाना है, मैं थोड़ा सा ये जोड़ रही थी यहाँ पर कि कुछ जीव जो है रसों में पैदा होते हैं, जैसे फलों के रस, ये अन्य चीजों के पदार्थों के रस, रसीले चीजें होती है उसमें पैदा होते हैं। ये एक संस्वेदज करके भी एक जीवों की प्रक्रिया है, तो वो जरूरी नहीं है पंचेंद्री में नहीं आएंगे अभी। सो जस्ट ये है कि संस्वेदज जीव भी पैदा होते हैं, पसीने से भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अभी मैं ये थोड़ा बताना चाह रही हूँ कि ये जो जितने भी प्रकार के हम अभी बात कर रहे हैं त्रस जीवों में, विशेष रूप से 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों की बात हम जो कर रहे हैं, ये प्राय करके इस त्रस नाड़ी के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, इससे बाहर नहीं पाए जाते हैं। एक इंद्रिय प्राणी तो आपको अन्य जगह भी देखने को मिल सकते हैं, लोक के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल सकते हैं, किंतु ये 5 त्रस जितने भी प्राणी होते हैं ये केवल इस त्रस नाड़ी के अंतर्गत पाए जाते हैं, जो 14 रज्जु हाइट में है और 1 रज्जु विड्थ इसकी मानी गई है।
सो ये इतनी से भाग के अंदर ही सभी प्रकार के देवता हैं, सभी प्रकार के नरक के प्राणी हैं और सभी प्रकार के जो दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक के जितने भी मनुष्य या पशु हैं वो सबकी उत्पत्ति केवल त्रस नाड़ी के अंतर्गत ही होती है। इससे बाहर वो ये जीव नहीं देखने को मिलते हैं। और अब ये आपको बता रहे हैं कि नरक के जो प्राणी होते हैं वो सात प्रकार के माने गए हैं और उनकी 4 लाख योनियां मानी गई है। तो ये 7 प्रकार की नरक जो है यहाँ पर अधोलोक के अंतर्गत आती है। इसमें 7 तरह के नरक के प्राणी उत्पन्न होते रहते हैं और ये मध्यलोक कहलाता है जहाँ मनुष्य लोक कहलाता है। सो मध्यलोक के अंतर्गत ही मनुष्य लोक भी है, परंतु मध्यलोक भी बहुत बड़ा है और जैन के हिसाब से अनेक द्वीप और समुद्र इस मध्यलोक के अंतर्गत है। तो हम जो है मनुष्य विशेष रूप से 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं। मध्यलोक के अंतर्गत 2.5 द्वीप के अंदर ही पाए जाते हैं, आगे की द्वीप में मनुष्य नहीं पाए जाते हैं। दूसरे जलचर जीव पाए जा सकते हैं, दूसरे और अन्य दूसरे जीव 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीवों की उत्पत्ति उधर में हो सकती है, तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, किंतु मनुष्य नहीं पाए जाते। ये है स्वर्ग जिन्हें जहां देवताओं की उत्पत्ति होती है। तो जैन धर्म के हिसाब से 26 स्वर्ग माने गए हैं, 12 वैमानिक देवलोक कहे जाते हैं, 9 ग्रेवेयक कहलाते हैं। ये 12 तो वैमानिक है जहाँ की हायरार्की है। हायरार्की मीन्स कोई इंद्र है उनके अंडर में सामानिक देव है, सामानिक देवों के अंडर में कुछ देव है, उन देवों के अंडर में कुछ देव है, इस तरह से हायरार्कीकल सिस्टम है। स्वामी और सेवक की व्यवस्थाएं हैं, सबके अलग अलग काम के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। तो इस तरह की जो चीज व्यवस्थाएं जहाँ होती है वो वैमानिक देवलोक कहलाते हैं। इस तरह के 12 प्रकार के देवलोक हैं। ये 9 प्रकार के 9 ग्रेवेयक कहलाते हैं। ये चूंकि लोक की ग्रीवा यानी गले के स्थान पर होने से इनको ग्रेवेयक कहा गया है। सो ये 9 प्रकार के ग्रेवेयक देव कहलाते हैं। इधर में स्वर्ग है यहाँ पर 9 प्रकार के और यहाँ 5 प्रकार के अनुत्तर विमान नाम के 5 स्वर्ग हैं जो कि सर्वोच्च कैटेगरी के माने जाते हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि सबसे हाईएस्ट लेवल का स्वर्ग माना जाता है। और कहा जाता है कि जिन जीवों की उत्पत्ति इस सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान के अंदर होती है वो निश्चित रूप से एक भव से ज्यादा जन्म नहीं लेता, यानी एक जन्म से ज्यादा नहीं करता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। सो इस तरह की भव्य आत्माएं इस अंतिम स्वर्ग में जन्म लेती है। उसके ऊपर ये इतना सा जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये मोक्ष का स्थान कहलाता है। ये एक पृथ्वी है जिसका नाम है ईषत प्राग भारा पृथ्वी। जैन के हिसाब से ये नरक में जो ये 7 नरक कही गई है ये 7 प्रकार की पृथ्वियां हैं, इनको नीदरलैंड्स कहते हैं। तो एक दृष्टि से जैन पृथ्वी शब्द का प्रयोग लैंड के लिए करते हैं जो स्थिर है, जो रिवॉल्व नहीं करती है, किसी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती है, जो स्टेबल रहती है। तो ये 7 प्रकार की पृथ्वियों को 7 रत्नप्रभा आदि नाम दिया गया है। और ये एक 8वीं पृथ्वी है जो मोक्ष के अंदर है और जहां मुक्त आत्माओं का निवास रह होता है। तो ये इसका नाम है ईषत प्राग भारा पृथ्वी, ये 8वीं पृथ्वी मानी गई है। तो ये सब एक प्रकार से स्थिर है, स्टेबल है, मूव नहीं करती है, रिवॉल्व नहीं करती है। सो ये हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पृथ्वी का क्या कंसेप्ट है जैन दर्शन में ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो आपको ये मैंने जस्ट मोटा मोटी ये बताया है कि ये त्रस नाड़ी, इसको त्रस नाड़ी कहा जाता है जिसके अंदर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, इससे बाहर त्रस जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये है। अभी हम चल रहे हैं कि जितने हमने अभी प्राणियों के बारे में चर्चा की है तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय तक तो हमें क्लियर है और उसके कई प्रकार हैं। अब उन सब प्रकारों के चर्चा करने से काफी विस्तार भी हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी जरूरत है यहाँ पर अभी चर्चा करने की। पर हाँ, तिर्यंच पंचेंद्रीय प्राणी के संदर्भ में हम समझ लें कि जितने भी हमें पशु दिखाई देते हैं, पक्षी दिखाई देते हैं, तो वो कितने प्रकार के माने गए हैं। तो तिर्यंच प्राणी जो संसार में जितने भी हमको देखने में आते हैं वो 20 प्रकार के माने गए। विशेष रूप से तिर्यंच जितने भी प्राणी हैं उनको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। एक है जलचर प्राणी, एक है स्थलचर प्राणी और एक है खेचर। खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले, खे का अर्थ होता है आकाश और आकाश में जो विचरण करते हैं उनको खेचर कहा जाता है।
भूमि पर जो विचरण करते हैं उनको स्थलचर कहा जाता है, जल में जो रहते हैं उनको जलचर कहा जाता है। तो ये तीन तरह से तिरेंच प्राणियों का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जलचर के अंतर्गत तो हम जानते ही हैं कि मछलियां होती है, कच्छप होते हैं, ग्राह होते हैं, मगर होते हैं, सुनसुमार होते हैं, और इनकी लगभग 12.5 लाख कुल कोटियां मानी गई है, अर्थात 12.5 लाख प्रकार की प्रजातियां मानी गई इन जीवों की। और स्थलचर प्राणी के अंतर्गत दो तरह के प्राणी आते हैं, चतुष्पद और परिसर्प। चतुष्पद का मतलब है कि जिसके चार खुर होते, एक खुर होता है और मतलब पैर चार होते हैं, और वो एक खुर वाले भी हो सकते हैं, दो खुर वाले भी हो सकते हैं, गंडीपद वाले भी हो सकते हैं, सनकपद भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये चार तरह के चतुष्पद प्राणी होते हैं। तो एक खुर का मतलब है कि जिसके पैरों में जब वो नीचे का हिस्सा है उसमें एक ही लाइन दिखाई देगी, किसी के दो दिखाई देगी, किसी का पैर गोल होगा और किसी के पैरों में नाखून होंगे, जैसे शेर के पैरों में नाखून होते हैं, हाथी का पैर गोल होता है, गाय का पैर जो है एक खुर वाला होता है और दो खुर वाले, इस तरह से। सो कहने का मतलब है कि ये 10 लाख प्रजातियां चतुष्पद प्राणियों की मानी गई है। परिसर्प जो है वो दो तरह के प्राणी है, उर परिसर्प और भुज परिसर्प। उर परिसर्प यानी सीने के बल पर रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनको उर परिसर्प कहते हैं, और भुजाओं के आधार पर यानी अपनी भुजाओं के बल से चलने वाले जो धरती पर पृथ्वी पर चलने वाले जो जीव हैं उनको भुज परिसर्प कहा जाता है। तो उर परिसर्प के अंतर्गत जैसे सांप है, अजगर है, आसालिक है, महोरग है, ये इस तरह की जीवों की गणना की जाती है, और इनकी भी प्रजातियां लगभग 10 लाख मानी गई है। और इसी तरह से भुज परिसर्प जो है उसके अंतर्गत नेवला, खिसकोली यानी छिपकली इत्यादि, और ये उंदर मीन्स चूहा। सो ये इस तरह के जो प्राणी हैं वो भुज परिसर्प के अंतर्गत आते हैं, ये अपनी भुजाओं के बल पर चलते हैं। तो इनकी भी 9 लाख कुल कोटियां मानी गई है। अब ये है कि ये सभी जीव दोनों तरह के हो सकते हैं, पशु में और पक्षियों में दोनों तरह के जीव हो सकते हैं। कुछ जीव समूर्छिम होते हैं, कुछ गर्भज होते हैं, कुछ गर्भ से पैदा होते हैं और कुछ अपने आप वातावरण अनुकूल मिलने पर पैदा होते हैं। और ये देखिए आसालिक जो है ये असंगी होता है और समूर्छिम होता है। अब ये आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आसालिक एक, 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 एक प्रकार का ड्रैगन टाइप का जीव होता है जो जमीन के अंदर पैदा होता है और अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट के अंदर पैदा भी हो जाता है और समाप्त भी हो जाता है। किंतु ये बड़ा काम करता है, काम ये करता है कि जब कभी किसी वासुदेव या चक्रवर्ती की सेना को नष्ट करना होता है, जिनकी सेना कितनी बहुत बड़ी सेना होती है, तो उस छावनी के नीचे ये पैदा हो जाते हैं और पूरा एक शहर जितनी मिट्टी ये 48 मिनट्स के अंदर अंदर खा लेते हैं और इतना बड़ा गड्ढा कर देते हैं कि पूरा का पूरा शहर उसके अंदर समा जाता है। तो ये इस तरह की चर्चा मिलती है, और ये विशेष रूप से जब चक्रवर्ती होते हैं या वासुदेव होते हैं उस समय इस तरह के ड्रैगन टाइप के बड़े बड़े सर्प पैदा होते हैं जमीन के अंदर, जो कभी जब कभी उसको उनको चक्रवर्ती या बलदेव वासुदेव की जब सेना को नष्ट करना होता है तब इस तरह के सर्प की उत्पत्ति होती है। तो ये समूर्छिम होता है, ये किसी के गर्भ से पैदा नहीं होता है, अपने आप ही उस समय की स्थितियों में अपने आप इनकी उत्पत्ति हो जाती है। तो समूर्छिम भी हो सकते हैं और कुछ जीव गर्भज भी हो सकते हैं। ये जो पांच प्रकार के आपको मैंने तिरेंच पंचेंद्रिय तीन तरह के जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इन जीवों की उत्पत्ति दोनों तरीके से होती है। अब हम मनुष्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी करिए कि मनुष्य के बारे में क्या कुछ कहा गया है, तो वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो ये है कि मनुष्य जैन धर्म के हिसाब से पूरा जो यूनिवर्स है उसका जो मध्य भाग है जिसे हम मध्य लोक कहते हैं, उस मध्य लोक के अंदर अनेक द्वीप और अनेक समुद्र है, और सबसे सेंटर में और सबसे छोटा जो द्वीप है उसे जम्बूद्वीप कहा गया है, जहां हम अभी हैं। और जम्बूद्वीप के बाद में एक समुद्र की माना गया है जिसे लवण समुद्र कहा गया है, उसके बाद फिर एक द्वीप माना गया है जिसे धातुकी खंड कहा गया है,
उसके बाद फिर समुद्र माना गया है, जैसे कालोदधी समुद्र जिसका पानी ब्लैक है, और उसके बाद फिर एक द्वीप आता है जिसका नाम है पुष्कर द्वीप एक्चुअल में, परंतु उसके आधे भाग में मनुष्य पाए जाते, इसलिए यहाँ पर पुष्करार्ध नाम दे दिया है। वास्तु में उसका नाम, फुल नाम तो उसका पुष्कर द्वीप है। तो ये जो ढाई द्वीप मध्य लोक के सबसे सेंटर में जो द्वीप है, उन द्वीपों में विशेष रूप से ये जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्कर, इन ढाई द्वीप के अंदर ही मनुष्य पाए जाते हैं। और विशेष रूप से मनुष्य तीन तरह के, तीन जगह पाए जाते हैं इस मध्य लोक में। एक तो कर्म भूमि में पाए जाते हैं, अकर्म भूमि में पाए जाते हैं, और अंतर द्वीप में पाए जाते हैं। तो अंतर द्वीप के विशेष रूप से ये ऐसे इंट्रा आइलैंड्स हैं जो कि लवण समुद्र के अंदर सिचुएटेड है, तो वहां पर ये स्थित हैं। वहां पर जो मनुष्य पाए जाते हैं उनको अंतर द्वीपज मनुष्य कहा जाता है। सो ये कहा जाता है कि जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र, तीन तरह के क्षेत्र हैं सभी ये द्वीपों के अंदर, जम्बू द्वीप हो चाहे धातकी खंड हो चाहे पुष्करार्ध द्वीप हो, इनमें तीन तरह के क्षेत्र हैं, यानी तीन तरह की लैंड्स हैं एक तरह से कहना चाहिए। तो भरत है, पैरवत है और महाविदेह है, अर्थात हर द्वीप को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। तो भरत कहलाता है, एक पार्ट भरत कहलाता है, एक पार्ट उसका ऐरवत कहलाता है और एक महाविदेह कहलाता है। विशेष रूप से जो साउथ पार्ट है किसी भी आइलैंड का, चाहे वो जम्बू द्वीप हो चाहे धातकी खंड हो चाहे पुष्करार्ध द्वीप हो, उसका जो साउथ पार्ट है उसमें भरत क्षेत्र जो होते हैं, उसके नॉर्थ पार्ट में ऐरवत क्षेत्र होते हैं, उसके पूर्व और पश्चिम भाग में महाविदेह होता है। इसी तरह से आप तो अभी देख रहे हैं कि जम्बूद्वीप के अंदर एक भरत है, एक ऐरवत है और एक महाविदेह है। अब धातकी खंड को लीजिए, तो धातकी खंड में आपको दो तरह से डिवीजन देखने को मिलेगा, पूर्व धात और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम भाग मिलेगा। सो पूर्व में आपको दो भरत देखने को मिलेंगे, दो ऐरवत क्षेत्र मिलेंगे और दो महाविदेह मिलेंगे। और इसी तरह से धरती खंड में दो दो भरत, दो ऐरवत और दो महाविदेह, तो पूर्व और पश्चिम इस तरह से धरती खंड के दो डिवीजन हो जाते हैं। तो एक एक भाग के अंदर एक एक भरत, एक एक ऐरवत और एक एक महाविदेह है, और दूसरे भाग में एक भरत, एक ऐरवत और एक महाविदेह, ऐसे टोटल छह वहां पर कर्म भूमियां हो जाती है। इसी तरह से पुष्कर, अर्ध पुष्कर द्वीप है, उसमें भी दो भरत है, दो ऐरवत है, दो महाविदेह है, तो उसका भी पूर्व पश्चिम डिविजन होता है। सो उसके आधार पर उसमें भी दो दो चीजें हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये 15 कर्म भूमियां हैं जो विशेष रूप से ढाई द्वीप के अंदर होती है, जहाँ की मनुष्य पाए जाते हैं। और ये मनुष्य स्पेशली माना जाता है कि कर्म भूमि में जो पैदा होने वाले मनुष्य हैं वो ही मुक्त हो सकते हैं, बाकी अन्य मनुष्य की मुक्ति डायरेक्ट वहां से जहाँ वो पैदा हो रहे हैं वहां से पॉसिबल नहीं है। हर मनुष्य को कर्म भूमि के अंतर्गत ही जन्म लेकर के मुक्त होना होता है, परंतु किसी संयोग से, किसी देव के संयोग से अगर कोई कर्म भूमि में पैदा हुआ मनुष्य अकर्म भूमि में किसी कारण से उसको किडनैप करके वहां रख दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो फिर वो वहां से जा सकता है। और समुद्र से भी वो अगर कोई किसी को समुद्र में डाल दे और उसकी मुक्ति होनी हो उस भव में, तो समुद्र से भी मुक्ति हो सकती है, परंतु वो होना कर्म भूमि का मनुष्य चाहिए। तो ये हमें खास समझने की इसमें बात है। और अब मैं आपसे बता रही हूँ कि लवण समुद्र के अंदर 56 जो है इंट्रा आइलैंड्स हैं, उसके अंदर आइलैंड्स हैं, तो वहां पर 56 जो है उसके अंदर 56 टाइप्स के मनुष्य हैं। और इन मनुष्यों के बारे में बहुत बड़ी विचित्र बातें आती हैं कि किसी मनुष्य का पैर एक ही जंघा है किसी का मुंह हाथी की तरह दिखता है, किसी का घोड़े की तरह दिखता है, किसी का अन्य किसी पशु की तरह दिखाई देता है। सो ऐसे विचित्र टाइप के मनुष्य हैं, इनके चेहरे हमारे सामान्य मनुष्य की तरह दिखाई नहीं देते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के दिखाई देते हैं, और लगता ही नहीं कि ये एक तरह से मनुष्य जैसे हैं क्या। सो इनको आजकल वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमन बीइंग्स के बात सुनते हैं, और एलियन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात सुनते हैं, तो कुछ कुछ उसी तरह के ये आकृतियां इनकी देखने को आपको मिलेगी। और इसका विवेचन स्थानांक सूत्र में भी बहुत विस्तार से किया गया है,
इन जीवा जीवा अभिगम में भी किया गया है। तो इन जीवों का काफी विस्तार से अगर जानना है तो अलग से उसका एक लेक्चर करें, तब पता चलेगा कि कितने प्रकार की ये 56 प्रकार के जो आइलैंड्स हैं, इंट्रा आइलैंड्स हैं जो लवण समुद्र के अंदर है, वहाँ किस किस तरह के मनुष्य पाए जाते हैं, उनकी आकृतियाँ किस किस प्रकार की है और उनका बिहेवियर क्या होता है, वो क्या कुछ करते हैं और कितने बड़े बड़े ये आइलैंड्स हैं, कितनी दूरी पर स्थित हैं, उनका कितना विस्तार है, वो विड्थ में और लेंथ में कितने बड़े हैं। सो ये सारी चर्चाएं काफी कुछ विस्तार से दी हुई है आगमों में, हम उसकी चर्चा अगर करने बैठे हैं तो वो थोड़ा सा अलग से एक लेक्चर उसके लिए लेना पड़े। सो आपने ये देखा कि यहाँ पर जम्बूद्वीप और धात्की खंड और पुष्करार्ध द्वीप के अंदर 15 तो कर्म भूमियां होती है किंतु 30 अकर्म भूमियां भी होती है। वो अकर्म भूमियां कौन कौन सी है, तो कहा जाता है कि हेमवत, हिरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, देवकुरु और उत्तरकुरु, ये 6 अकर्म भूमियों के नाम है। तो जम्बूद्वीप के अंदर एक हेमवत है, एक हिरण्यवत है, एक हरिवर्ष है, यस, और एक रम्यक वर्ष है, एक देवकुरु और एक उत्तरकुरु है। ऐसे करके 3 तो जम्बूद्वीप के अंदर कर्म भूमि मानी गई है और 6 अकर्म भूमियां मानी गई है। ऐसे कुल आपको 9 प्लेसेस मिलेंगे जहां मनुष्य पाए जाते हैं। लवण समुद्र में आप देखेंगे तो यहाँ 56 अंतर्द्वीपीय लवण समुद्र में ये सब और कुछ नहीं है, वहां जो द्वीप है, आइलैंड्स हैं, उन पर मनुष्य जो पाए जाते हैं तो वो 56 प्रकार के ही, इसलिए 56 यहाँ अंतर्द्वीपज मनुष्य कहे गए हैं। धात्की खंड में आपसे बताया कि यहाँ पर 6 तो कर्म भूमियां है और इसी तरह से हर डबल डबल जो है अकर्म भूमियां होने से करीबन 12 जो है अकर्म भूमियां हो जाती है, तो टोटल नंबर जो है यहाँ पर 18 बन जाता है जहां पर मनुष्य पाए जाते हैं। कालोदधी समुद्र में कोई तरह के मनुष्य नहीं मिल सकते हैं, वो तो वैसे समुद्र है और वहां ऐसा कोई मनुष्य की उपस्थिति नहीं है। पुष्करार्ध द्वीप जो है उसमें भी इसी तरह से 6 कर्म भूमियां हैं और 12 अकर्म भूमियां हैं, टोटल 18 ऐसे क्षेत्र हैं जहां मनुष्य पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्रीय आधार पर, ज्योग्राफिकल जो है डिवीजन के आधार पर 101 प्रकार के मनुष्य माने जाते हैं। ये ज्योग्राफिकल डिवीजन कि ये पर्टिकुलर इतनी लैंड्स पर जो मनुष्य है, अब इनमें भी फर्दर अलग अलग कंट्रीज हो सकती है, अलग अलग स्टेट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के मनुष्य हो सकते हैं, वो एक सब डिविजन है, बट ब्रॉडर डिविजन के आधार पर ये 101 प्रकार के मनुष्य माने जाते हैं। मनुष्य अब ये जो आपसे हमने बताया कि कर्म भूमि में मनुष्य पाए जाते हैं, अकर्म भूमि के अंदर मनुष्य पाए जाते हैं, अंतर्द्वीप के अंदर मनुष्य पाए जाते हैं, तो ये टोटल 101 प्रकार हो गए। और ये दोनों ही तरह के मनुष्य पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों कैटेगरी के होते हैं, इस वजह से उनको 202 प्रकार का मान लिया गया है। और इन्हीं मनुष्यों की गंदगी में 14 स्थानों में जो जीव मनुष्य पैदा होते हैं उन्हें समूर्च मनुष्य कहा जाता है। तो चूंकि मनुष्य 101 प्रकार के हैं और पर्याप्त मनुष्य होने पर ही उनकी गंदगी में जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए समुच्चिम जीवों की उत्पत्ति के प्रकार 101 ही माने गए हैं, 202 नहीं माना गया है। क्योंकि अपर्याप्त जीव तो जस्ट श्वास लेता है और छोड़ने के समय उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि उसके शरीर से ऐसा कोई एक्सक्रेट्स निकले और जिसमें जीवों की उत्पत्ति की संभावना बने। तो इसलिए अपर्याप्त मनुष्यों से कोई जीवों की उत्पत्ति फर्दर नहीं हो पाती है। बट हाँ, ये है कि जो गर्भज प्राणी हैं और पर्याप्त बन चुके हैं, उनके शरीर से जो कुछ गंदगी निकलती है उससे जिन मनुष्यों की उत्पत्ति होती है उन्हें समुच्चिम मनुष्य कहा जाता है, और वो मनुष्य चूंकि 101 प्रकार के हैं पर्याप्त मनुष्य, और इसलिए उनके जो समुच्चिम जो कैटेगरी है वो भी 101 प्रकार की मानी गई है। तो 15 प्रकार के कर्म भूमि के मनुष्यों की गंदगी में पैदा होने वाले समुच्चिम मनुष्य 15 प्रकार के हो जाते हैं, कर्म भूमि के में जो उत्पन्न हो रहे उनकी गंदगी में पैदा होने वाले मनुष्य 30 प्रकार के हो जाते हैं, और अंतर्द्वीप में पैदा होने वाले मनुष्य की गंदगी में पैदा होने वाले जो मनुष्य है समुच्चिम मनुष्य वो 56 प्रकार के हो जाते हैं, टोटल 101 टाइप्स जो है वो हो जाते हैं। अब बात यहाँ पर इतनी सी है कि कर्म भूमि के मनुष्य जो हैं वो संगी मतलब उनके अंदर माइंड का डेवलपमेंट होता है,
बाकी ये जो दूसरे प्रकार के हैं यौगलिक, इनके अंदर ये संगी भी माने जाते हैं, मिथ्यात्वी भी माने जाते हैं, और इनकी मुक्ति मोक्ष जाना इनके लिए संभव नहीं है। केवल कर्म भूमि के अंदर जो जन्म लेते हैं वो ही मनुष्य धर्म को समझते हैं और व्यापार आदि क्रियाएं भी वो ही करते हैं। कर्म भूमि के जितने भी मनुष्य हैं वो एक तरह से स्वर्गीय वातावरण जैसा उनको वातावरण मिलता है, यानी नेचर पर वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। नेचर में कल्प वृक्ष पैदा होते हैं, उन कल्प वृक्षों के आधार पर ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उनको अलग से कोई व्यापार बिजनेस कोई सामाजिक व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है। तो वो एक तरह से फ्री आज भी जंगलों में या फॉरेस्ट का लाइफ ही उनका चल रहा है और पेड़ों पर ही वो डिपेंडेंट है, परंतु वो पेड़ कल्प वृक्ष कहलाते हैं, जो एक तरह से पुण्यवान जीवों के लिए उस तरह के वृक्ष धरती पर पैदा होते हैं, तो सामान्य मनुष्य उन पेड़ों का लाभ नहीं ले पाता है। तो ये मनुष्य अपने आप में एक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ विशेष पुण्यवान होते हैं जो अकर्म भूमि में पैदा होकर के कल्प वृक्षों का ही इनके आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। उनको अलग से कुछ और विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ना ये धर्म करते हैं ना और किसी प्रकार का बिजनेस या कोई प्रकार का व्यापार आदि कुछ नहीं करते हैं। और अंतर्द्वीपज मनुष्य भी ये जो है वो ये योगलिक कहलाते हैं, मीन्स युगल रूप में पैदा होते हैं, और ये भी वैसे व्यापार आदि कुछ नहीं, इनका जीवन समुद्री जी के आधार पर, समुद्री जो चीजें मिलती हैं उसी के आधार पर ये जीते हैं। सो इनमें भी कुछ इस तरह का कर्म भूमि की तरह व्यवहार देखने में आपको नहीं मिलेगा, या कोई इस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं उसमें नहीं मिलेगी। अब ये कर्म भूमि के मनुष्यों का भी काफी कुछ फर्दर डिविजन किया गया है, तो आप ये देखेंगे कभी कभी हम जो जैन धर्म का इतिहास जब पढ़ाते हैं या हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ाते हैं तो ये कहा जाता है कि आर्य भारत से आए, भारत के बाहर से आए थे और उन्होंने जिस धर्म का विकसित किया वो हिंदू धर्म है, ऐसा लोक या इतिहास में लिखने वाले जो ऑथर्स होते हैं जब कभी हिंदुइज्म की हिस्ट्री लिखते हैं तो वो इस तरह की बातें लिखते हैं कि ये आर्यन से बाहर से आए थे और इन्होंने भारत में हिंदू धर्म का विकास किया या प्रचार किया। किंतु आप जब आगमों को देखेंगे तो ये बात सच नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य दो तरह के पाए जाते हैं। कर्म भूमि के अंदर जो मनुष्य होते हैं वो दो प्रकार के मनुष्य है, मृच्छ मनुष्य जिनको अनार्य कहा जाता है और कुछ मनुष्य आर्य कहलाते हैं। आर्य मनुष्यों के अंतर्गत आर्य का मतलब वो श्रेष्ठ कैटेगरी के मनुष्य है, उत्तम कैटेगरी के मनुष्य है, और म्लेच्छ थोड़े जो हैं वो धर्म आदि को, हिंसा अहिंसा आदि को, इन चीजों को समझते नहीं है, तो उनका जीवन बिल्कुल कहना चाहिए कि हिंसा आदि से जुड़ा हुआ है और धर्म या मूल्य या ये सब बातें उनकी नॉलेज में नहीं होती है ज्यादा। सो उनका जीवन एक तरह से बिल्कुल बहुत ही सामान्य, बहुत ही लोअर लेवल का लाइफ होता है समझ लीजिए। सो ये म्लेच्छ कहलाते हैं जिनको अनार्य कहा गया है, और जिन्हें धर्म की का ज्ञान है, अहिंसा का ज्ञान है, मूल्यों का ज्ञान है, वो आर्य पुरुषों में आते हैं। तो भारत में ये शुरू से ये कैटेगरी मनुष्य की जो भगवान महावीर के समय से ही, और या कहना चाहिए पहले से, ये मनुष्य की दो कैटेगरीज मानी गई है कर्म भूमि के मनुष्यों की, कि कुछ मनुष्य म्लेच्छ होते हैं, कुछ मनुष्य आर्य कैटेगरी के होते हैं। और आर्य कैटेगरी का होने का दो मापदंड है। एक है कि जो जिनके पास में रिद्धि सिद्धियां होती है, विशिष्ट शक्तियां होती है, जो एक कॉमन मनुष्य की तरह नहीं होते, जिनके पास कुछ विशेष देवीय संपदाएं होती है और मिस्टिकल पावर्स का हो या कुछ स्पेशल उनके पावर्स का हो उनके पास में होती है, तो वो रिद्धि प्राप्त मनुष्य कहलाते हैं। और रिद्धि प्राप्त मनुष्य के अंतर्गत 4-6 प्रकार के मनुष्य माने गए हैं, अरिहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण और विद्याधर। तो अरिहंतों के पास में विशिष्ट शक्ति होती है, आप उनके अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, 34 अतिशय होते हैं, 35 वचनातिशय होते हैं, तो उनका बड़ा विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। इसी तरह से चक्रवर्ती के पास भी अनेक प्रकार की 9 निधियां होती है, वो चाहे तो सुबह बीज बोए और शाम को फसल तैयार हो जाती है उनके बीज बोने से, उनके पास इस तरह की निधियां होती है। तो और बड़ी सेना को भोजन कराना है तो वो तुरंत अपनी एक निधि का प्रयोग करके तुरंत पुनः भोजन तयार करवा सकते हैं। सो इस तरह के अनेक शक्तियां चक्रवर्ती के पास में होती हैं, 14 रत्न उनके पास में होते हैं, जो एक आम व्यक्ति के पास नहीं मिलेंगे आपको कभी।
इसी तरह से बलदेव के पास में भी विशिष्ट शक्तियां होती है, वासुदेव के पास में वो त्रिखंड के मालिक होते हैं, और चक्रवर्ती एक तरह से वर्ल्ड एम्परर की तरह होते हैं, पूरे वर्ल्ड पर उनका जो समय का ज्योग्राफिकल जो भी वर्ल्ड का स्ट्रक्चर रहा है और जहाँ कहीं मनुष्य थे उन सब पर उनका एक तरह से शासन होता है, इसलिए चक्रवर्ती षटखंड के वो माने जाते हैं, मालिक माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं, और वासुदेव तीन खंड के मालिक माने जाते हैं। तो इनकी भी अपनी विशिष्ट शक्तियां होती है, अनेक देव शक्तियां इन सब की सेवा करती है, अरिहंतों की, चक्रवर्ती की, बलदेव की, वासुदेव की, इसलिए ये विशिष्ट महापुरुष माने जाते हैं। तो हिंदू परंपरा में विशेष रूप से जिनको विष्णु कहा जाता है या परम ब्रह्म कहा जाता है, तो वो एक तरह से वासुदेव ही है जो हिंदू परंपरा के आराध्य हैं, इष्ट हैं, जिन्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया है धर्म के क्षेत्र में, और जिनकी शिक्षाओं और जीवन को ही फॉलो किया जाता है धर्म के नाम से। और चारण होते हैं, चारण का मतलब होता है कि विशिष्ट ये शक्ति संपन्न रिद्धि संपन्न होते हैं, इनके पास मिस्टिकल विशेष पावर्स होती हैं, और इस पावर के कारण से वो चाहे तो आकाश में गमन कर सकते हैं, यानी आप आज एरोप्लेन से जाते हैं, यात्रा करते हैं आकाश में आपको जाना है तो, परंतु ये बिना किसी एरोप्लेन की सपोर्ट के केवल अपनी इस रिद्धि शक्ति जो उनके जंघा के अंदर होती है उस जंघा शक्ति से ही वे आकाश में गमन कर सकते हैं और बहुत दूर तक जा सकते हैं। कहा जाता है कि चारण मुनि जो हुए वो आठवां जो द्वीप है जिसे नंदीश्वर द्वीप कहा जाता है वहां तक वो ट्रेवल करते हैं, चैत्यालयों के दर्शन करते हैं, तो इस तरह से शक्ति उनके अंदर होती है। विद्याधर, इनके पास भी विशिष्ट प्रकार की विद्याएं होती हैं, वर्तमान में वो सारी विद्याएं एक तरह से लुप्त हैं, अगर किसी को थोड़ी बहुत जानकारी भी है तो वो उस व्यक्ति को ही पता है और किसी को जल्दी से पता नहीं है। तो 700 प्रकार की महाविद्याएं मानी गई है, उन विद्याओं का यानी मंत्रों का विशेष प्रयोग करने से जो अभिलषित चीजें चाहिए उस व्यक्ति को वो सब मिल जाती है। तो इस तरह की शक्तियां विद्याधरों के पास में थी, और वर्तमान में वो हमारे अभी नॉलेज में नहीं है कि वो विद्याएं किस तरह की थी, वो मंत्र कौन से थे जिनसे क्या काम हो सकता था। तो आप ये सोचिए कि इस तरह के ये रिद्धि प्राप्त मनुष्य ये आर्य मनुष्यों के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए वासुदेव भी आर्य कहलाते हैं, हिंदू धर्म के आराध्य जो है वासुदेव है, उनके इष्ट वासुदेव है, तो वो आर्य की कैटेगरी में आते हैं। सो इसलिए आर्य कोई बाहर से नहीं आए, भारत के अंदर के जो ये महापुरुष है इनको आर्य कहा जाता है, और इनको फॉलो करने वाले व्यक्ति जो है वो आर्य मनुष्य के एक परंपरा में आने वाले आर्य मनुष्य कहलाते हैं। नौ रिद्धि प्राप्त मनुष्य उनको कहा जाता है जिनके पास इस तरह की बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती अरिहंत की तरह विशिष्ट शक्तियां या विशिष्ट पावर्स तो उनके पास नहीं है, किंतु उनके पास में कुछ इस तरह का हुनर है, इस तरह की स्किल्स हैं, या इस तरह का स्पेशलाइजेशन है इस पर्टिकुलर किसी फील्ड में, और उसके कारण से समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है उस कार्य के कारण से, तो वो जो है नौ रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। तो वो भी कई प्रकार के हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं करीबन नौ प्रकार के आर्य माने, 10 प्रकार के इस तरह के आर्य माने गए हैं जिनको नौ रिद्धि प्राप्त आर्य कहा जाता है। उसमें है क्षेत्रार्य, यानी 25-25 प्रकार के ऐसे देश माने गए हैं जहाँ के मनुष्य को जहाँ उत्पन्न होना एक तरह से क्षत्रिय दृष्टि से उत्तम माना जाता है। तो जैसे कि भारत में उत्पन्न होना वो क्षेत्रार्य की दृष्टि से, आर्यावर्त के जितने 25-25 देश है उनमें जो पैदा होते हैं उनको क्षेत्रार्य कहा जाता है। कुछ लोग जाति से आर्य होते हैं, यानी उनका जाति उनकी जो रेस है या कुल है जिस परिवार में वो पैदा होते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा होने से वो आर्य कहलाते हैं। कुछ कुलार्य कहलाते हैं, यानी जाति का मतलब होता है पिता का कुल और कुल का मतलब होता है माता का कुल। तो माता के कुल के हिसाब से ये 6 तरह के कुल माने गए हैं जिसमें उग्र, यादव वगैरह इस तरह के जो भोज और राजन्य इस तरह के 6 प्रकार के कुल माने गए, इनमें जो पैदा होते हैं उनको कुलार्य कहा जाता है। कर्मार्य, कर्म की दृष्टि से, यानी जो कपड़ा बनाते हैं, बर्तन का व्यापारी है इत्यादि, जो 6 तरह के व्यापार माने जाते हैं जिनको भगवान ऋषभ ने अपने समय में लोगों को सिखाया था वो कर्मार्य के अंतर्गत आते हैं। शिल्पार्य, सुथार लोहार आदि को शिल्पार्य माना जाता है। भाषार्य, भाषा की दृष्टि से, यानी अर्धमागधी भाषा को जो बोलना जानता है, और ब्राह्मी लिपि जो 18 प्रकार की लिपि भगवान ने सिखाई थी भगवान ऋषभ ने अपनी पुत्रियों को,
सो वो लिपियों को जानने वाला को भाषार्य कहा जाता था। ज्ञानार्य यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परय ज्ञान, केवल ज्ञान, जो भी इस तरह के विशिष्ट ज्ञान जिनके पास में ही, वो ज्ञानार्य कहलाते हैं। दर्शनार्य, दर्शनार्य का मतलब होता है कि जिनके अंदर सम्यक दर्शन है, तो वो सम्यक दर्शन भी दो तरह से होता है, कुछ सराग मनुष्यों के अंदर भी होता है, कुछ मतलब वीतराग मनुष्यों का भी अपना सम्यक दर्शन होता है, तो वो दो कैटेगरी मानी गई। इसी तरह से चारित्रार्य, चारित्र की दृष्टि से किसके पास, मतलब पांच चारित्र जिनके पास में है, साधुत्व जिनके पास में है, वो भी चारित्र की दृष्टि से आर्य पुरुष माने जाते हैं। सो इस तरह से कई तरह का डिविजन है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने से थोड़ा सा याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ कि 56 अंतरद्वीप का थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए कि ये द्वीप जो है लवण समुद्र के अंदर है, और आप ये देख रही है कि ये ईशान, ये प्राय करके विदिशाओं में है, ये द्वीप विदिशाओं में है, मूल दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, और इन दिशाओं के मध्य की जो दिशाएं हैं उनको विदिशा कहते हैं। तो आप ये देखिए कि ईशान दिशा जिस उसको कहा जाता है कि जो उत्तर और पूर्व के बीच में होती है, तो इसमें ये इतनी प्लेसेस हैं जहाँ की ये मनुष्य पाए जाते हैं। 7 ऐसी जगह हैं जहाँ देखिए, एक और यानी उसकी एक ही जगह है, कुछ मनुष्यों के कान हाथी वो है यानी अश्व की तरह दिखते हैं, किसी के मुख, ये आदर्श का मुझे देखना पड़ेगा, है कर्ण, ओके, अश्वमुख, ये अश्वमुख यानी हाथी घोड़े की तरह जिसका मुख है, अश्वकर्ण, किसी के कान अश्व की तरह है, या हय और अश्व में थोड़ा क्या डिफरेंस है मुझे थोड़ा देख करके बताना है, ठीक है। उल्का मुख होता है और घन दंत होते हैं। तो ये इस तरह से 7 प्रकार के जो मनुष्य हैं वो एक प्रकार की ईशान दिशा की तरफ जो स्थित अंतर्द्वीप है उनमें पाए जाते हैं। इसी तरह से आग्नेय दिशा में 7 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, जिसमें आभासी के गज कर्ण है, यानी किसी के कान हाथी की तरह है, मेंढ मुख है, किसी का मुंह मेंढे की तरह है, हस्ती मुख, किसी का हाथ मुख हाथी की तरह है, किसी का शेर की तरह दिखता है, किसी का मेघ मुख होता है, किसी का लष्ट दंत। तो ये इस तरह के 7 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से नैऋत्य दिशा में 7 अंतर्द्वीप है, और उसमें वैशानिक यानी किसी के मतलब विषाण मीन्स सिंह है लगे हुए, जैसे पशु के सिंह होते हैं, गोकर्ण होते हैं, किसी का गाय के जैसा कान है, अयोमुख और सिंहमुख, सिंह की तरह मुख है, किसी के कान नहीं है, अकर्ण जैसा दिखता है, विद्युन्मुख दिखता है, कोई गूढ़ दंत दिखता है। और ये नेक्स्ट है वायव्य द्वीप, इसमें नांगोलिक, सशकुलीकर्ण यानी पुड़ी जिस तरह से होती है, हम पुड़ी खाते हैं उस तरह का गोल गोल जिस तरह का कान होता है, एक गोमुख यानी गाय की तरह मुख है, व्याघ्रमुख, व्याघ्र की तरह मुख जिसका दिखता है, कर्ण प्रावरण माइट बी कि उनके कान इस तरह से एक तरह से ढके हुए से दिखते हैं, विद्युत दंत और शुद्ध दंत। तो इस तरह से 7 प्रकार की आपको ये दिखाई दे रहे हैं। तो 7 × 28, ठीक है ना। तो एक दिशा मतलब एक द्वीप, एक तरफ जो होती है दिश, एक तरफ के जो 28 हैं, दूसरी तरफ 28 है, पूर्व में और पश्चिम में, इस तरह से 28 करके 7 करके, सॉरी कितना हुआ, 28, सॉरी ना, एक तरफ 28 है और दूसरी तरफ इसी तरह से 28 है, ऐसे करके 56 टोटल अंतर्द्वीप बन जाते हैं। अब हम देवता के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखिए कि देवता, हमने तिर्यंच देख लिया, तिर्यंच पंचेंद्रिय देख लिया, मनुष्य देख लिया, अब हम देव के बारे में देख रहे हैं कि देवता भी जो है 4 प्रकार के माने गए, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। सो भवनपति जो है 10 प्रकार के देव माने जाते हैं, व्यंतर जो है 8 प्रकार के माने जाते हैं, ज्योतिष देव 5 प्रकार के माने जाते हैं, जिनको हम एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज है, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारा है, इन सब की भी गणना कराई गई है कि चंद्र कितने हैं, सूर्य कितने हैं, ग्रह कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, तारा कितने हैं, इनकी भी एग्जैक्ट नंबर बताया गया है शास्त्रों में। और वैमानिक जो देव हैं, वैमानिक देवों में 2 तरह के देव हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत देव कहलाते हैं। कल्पोपपन्न का मतलब है कि जिसमें स्वामी सेवक का यानी हायरार्की है जहां पर, और व्यवस्थाएं हैं कि कौन इंद्र है, इंद्र के नीचे सामानिक है, सामानिक के नीचे अदर देव हैं,
उनकी फिर कुछ फर्दर व्यवस्थाएं हैं कि कौन क्या काम करेगा। सो उस तरह की जो देव व्यवस्थाएं जहाँ जिन स्वर्गों में है वो कल्प उत्पन्न कहलाते हैं, और जहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है, सभी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के अंडर में नहीं है, अपने तरीके से चलते हैं, वो कल्पातीत देव कहलाते हैं। उसमें 9 ग्रह वेग होते हैं और 5 अनुत्तर विमान के देव होते हैं। सो इस तरह से देवताओं की भी करीबन 49 प्रकार माने गए हैं। ये भी ब्रॉडर आपको क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, ग्रॉस डिविजन बता रही हूँ, बट इनमें भी काफी कुछ और डिविजन हैं जिसकी चर्चा अलग से करने पर पता चलेगा। सो एनी हाउ हम जो देख रहे हैं, अब मैंने टोटल जस्ट यहाँ पर आपको संसार के में जितने भी तरह के प्राणियों की चर्चा अभी तक हमने की है उसका एक कहना चाहिए चार्ट यहाँ पर दिया गया है, गुजराती भाषा में है पर वो कोई खास बात नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पांच इंद्री वाले प्राणी हैं, और वो सबकी चर्चा हम डिटेल में विस्तार से सब कुछ कर चुके हैं। सो ये पूरे चार्ट के अंदर वो सारा विवेचन संसारी जीवों का देखने को मिलता है। सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑन अबाउट द मोबाइल लिविंग बींग्स फ्रॉम 2 सेंस टू 5 सेंस लिविंग बींग्स। और आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो ऑल आर वेलकम। समरी जी अभी तक तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? सभी को छूट है, आप भी उसमें इंक्लूड है। मुझे समूचीन जीवों के बारे में बहुत मतलब ज्यादा डिटेल में जानना हो तो कैसे पता चल सकता है? समूचीन जैसे आपने बताया कि विकलेंद्रिय जैसे मतलब त्रस्काई में सविरेंद्रिय तक या असंधि तक की आपने बताया कि समूचीन जीव हो सकते हैं, तो समूचीन जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है और क्या होता है उसके बारे में कुछ जानना हो तो ज्यादा डिटेल में तो कैसे जान सकते हैं? ओके सो देखिए इन्हीं आगमों को पढ़ने से आपको विस्तार से थोड़ा और मिल सकता है। मैंने वैसे जीवा जीवाभिगम में समूचीन जीवों के संदर्भ में जो कुछ कहा है ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है अपने डिस्कशन में, पर अगर आपको और क्या जानना है तो आप प्रश्न थोड़ा सा भेजेंगे उसके हिसाब से क्या उसका डिटेल मिलता है वो हम देख करके थोड़ा बता सकते हैं। हाँ, खास तौर पे समूचीन की योनि और समूचीन वो सब थोड़ा सा डिटेल में जानना था, इसलिए जो एक्चुअली अपने बात कर रहे थे पिछले मतलब जब अपनी आरटी हुई थी तब बात हो रही थी, जो लैब कल्चर मीट की जो बात हो रही थी तो मेरे हिसाब से उसको मैं जान के फिर आपको कुछ मतलब पढ़ के फिर आपको ज्यादा कुछ उसके बारे में पूछ सकती हूँ। ठीक है, आप स्पेसिफिक को जो भी पूछना चाहे वो मुझे बता दे पहले तो, क्योंकि हाँ। जब हमने चर्चा की है केंद्रीय जीवों की तो बहुत विस्तार से चर्चा की है कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, सब समूची में है, अपने आप उत्पन्न होती है, उसको कोई वो माता पिता कोई गर्भ प्रक्रिया उसके पीछे तो है नहीं। हाँ। तो वो अपने आप ही वातावरण में जहाँ जैसा अनुकूल इनको कंड्यूसिव एनवायरमेंट मिलता है वहीं जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, उस तरह की मिट्टी पैदा होती रहती है, बढ़ती रहती है। सो ये बात से उसी से उस विवेचन से काफी कुछ स्पष्ट ही है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ फिर डेफिनेटली आपको वापस पूछूंगी। हाँ, yes. और किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। क्या विशाल जी आप कुछ पूछना चाहोगे? हाँ, अपना माइक ये जो अभी समूचीन जीव के बारे में प्रश्न पूछे ना तो मुझे भी उसी के बारे में थोड़ा पूछना था। जो आज हम जिसको फेजेस कहते हैं, बैक्टीरियो फेजेस, वो क्या ये इसी का प्रकार है समूचीन जीव का? तो यही क्योंकि देखिए बैक्टीरिया अगर एक इंद्रिय जीव नहीं दो इंद्रिय जीव हो सकता है, पर सपोज दो इंद्रिय भी है या तीन इंद्रिय भी है या चार इंद्रिय भी है तो वो सब कुछ समूचीन ही है, ठीक है ना, सारे वो जीव समूचीन ही है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के मनुष्य तो समूचीन है ही, सभी समूचीन कैटेगरी है, वहां पर दूसरा कोई कैटेगरी नहीं है। मनुष्य के अंदर है कि वो गर्भज भी हो सकता है और समुच्चय भी हो सकता है, तिरिंच पंचेंद्र के अंदर गर्भज भी हो सकता है और समुच्चय भी हो सकता है,
और उपपात एक कैटेगरी जो देवता और स्वर्ग के बारे में ही, ठीक है ना। ओके, और जो समुच्चिन जीव हमारे एक्सक्रीशन में से उत्पन्न होते हैं, परस्पिरेशन हो या सलाइवा या किसी में से, तो मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो समुच्चिन जीव के अंदर जिसके एक्सक्रीशन में से वो उत्पन्न हुए है उसके कोई लक्षण उसमें आ जाए, या ऐसा कुछ उसके उसके साथ कुछ समानता हो, ऐसा कुछ कोई कोरिलेशन है क्या? अच्छा एक मिनट आशीषा प्लीज, ऐसा करिए कि आप ना सबको म्यूट रखिए और जो जो लोग क्वेश्चन करे रेज करे हैं बस उसी को अनम्यूट करिए प्लीज, है ना। हमने जी ज्यादातर सब अनम्यूट ही, अरे सॉरी म्यूट किया हुई है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कहीं से आ रहा था, मैं देख रही हूँ। सो सभी को म्यूट रखिए ताकि क्या है कि वो बात को भी सुनने में इजी रहे और आंसर करें तो सामने वाले को पूरा सुनाई दे, ठीक है। सो जस्ट हाँ, तो आपने जो प्रश्न किया है कि समुच्चिन मनुष्य, अब देखिए पहली बात तो ये है कि उनको मनुष्य कहने का मतलब ही क्या है, मनुष्य के फीचर्स उनमें है तभी ना मनुष्य कहा जा रहा है, समझ में आया ना। तो सारी वो उनके उनमें आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति पूरी तरह से एक तरह से कंप्लीट हो जाती है उनके अंदर, पांचों प्रकार की इंद्रियों का विकास हो जाता है, बॉडी जो आपका बॉडी फॉर्मेशन है उसी तरह की बॉडी उनकी फॉर्म्ड हो जाती है, एंड आहार पर्याप्ति है, जिस तरह से आप आहार ग्रहण कर सकते हैं आप में कैपेसिटी कैपेबिलिटी आ जाती है, उसी तरह से वो एनवायरमेंट से जो चीजें उन्हें लेना है वो लेना शुरू कर देते हैं। सो वो मनुष्य की तरह बाकी सब चीजें बस जस्ट है कि श्वास का रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका डेवलप हो रहा है और वो श्वास लेना जस्ट शुरू करते हैं और इतने में डेथ हो जाती है उनकी। सो वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और जब वो इनकम्प्लीट स्टेट में होते हैं तो आपके लिए वो विजिबल नहीं बन पाते, क्योंकि जब तक बॉडी सारी पर्याप्तियां जो जो नेसेसरी है वो जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक वो जीव दूसरों को दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। सो मनुष्य की तरह आपको 6 पर्याप्तियां होनी चाहिए। सो अगर वो आपने पूरी जब तक नहीं करोगे तब तक आप दूसरों के लिए विजिबल नहीं हो सकते, एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। मंडल सर आप कुछ पूछना चाहोगे? भंडारी सर ये तो सब क्लियर ही है चार्ट से जैसे बताया है सब, तो मेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं है। सही, तो क्या किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज के सेशन को यहाँ कंक्लूड करके सब। कमला धोखा जी है ना, कमला जी प्रश्न करना चाहती आप अपने आप जी। मेरा प्रश्न ये, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि संघी और असंघी वही समुच्चिन जीव है या क्या कैसे? Okay. संगी और असंगी मनुष्य वो क्या अलग कैटेगरी है? हाँ, तो देखिए समुच्चिन जितने भी जीव होते हैं चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे पांच इंद्रिय हो, सभी समुच्चिन जीव जो होते हैं वो असंगी ही होते हैं, ठीक है ना। जितने भी समुच्चिन प्रक्रिया से जो भी पैदा होंगे, जो माता पिता की गर्भ प्रक्रिया से पैदा नहीं होंगे या फिर उपपात प्रक्रिया से जो उत्पन्न नहीं होंगे वो उनके पास में माइंड का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो सारे असंगी, सारे ही असंगी होंगे। और मनुष्य में भी असंगी और संगी है, तो मनुष्य में भी जो समुच्चिन मनुष्य है वो भी असंगी ही होते हैं, ठीक है ना। वो तो चूंकि अपर्याप्त स्टेट में मर जाते हैं ना, सो उनका वो उस स्टेज तक उनका डेवलपमेंट होना पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, अब समझ में आ रहा है, उनके अंदर भी माइंड नहीं हो सकता है। चलिए और किसी के कोई क्वेश्चन? सो काफी कुछ चीजें क्लियर है, सो मेरे ख्याल से इतनी जरूरत नहीं है कुछ पूछने। नहीं, आपने ये कहा कि जो पर्याप्ति पूरी नहीं होती वो दिखाई नहीं देते, ऐसा है? हाँ, वो जब तक शास्त्रीय दृष्टि से जो विवेचन है मिलता है उस हिसाब से ये कि जब तक जीव अपनी पर्याप्तियां जितनी उसकी जरूरत है वो पूर्ण नहीं करता है तब तक वो विजिबल नहीं होता है, उनको असंप्राप्त कहा गया है, असंप्राप्त।
असंप्राप्त यानी आपके सेंसेस के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, आप उनको किस रूप में पहचान पाए ये संभव नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, वो इतने सटल फॉर्म में होते ही या इनविजिबल फॉर्म रहता है उनका, उनको डिस्टिंग्विश करना संभव नहीं है, उनके अंदर जो बॉडी कलर आना चाहिए वो जिससे कि आप उसे पहचानते हैं तो वो कलर एक्सेट्रा वो मैनिफेस्ट ही नहीं होते उस स्टेट में। यानी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भी अपने अपर्याप्त ही समुचित है तो अपर्याप्त रहेगा समुचित और अपर्याप्त दोनों हो सकते। हाँ दोनों कैटेगरी हो सकती है, अगर वो समूर्छिम है और अपर्याप्त स्टेट में है तो आपके लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, अगर वो पर्याप्त बन जाता है जैसे एक इंद्री से लेकर के पांच असंगी पांच इंद्री वाले जो तिरंच है वो तो पर्याप्त बनते ही है और आपको दिखाई देते हैं चलते फिरते सब कुछ करते हुए, तो जो पर्याप्त है वो तो दिख जाएंगे आपको किंतु अपर्याप्त स्टेट में आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि उस स्टेट में कलर वगैरह बॉडी का जो है वो मैनिफेस्ट नहीं होता है पूरी तरह से। So you cannot identify. Sir, Jaswant ji, आप अपना question पूछ सकते हो। असंगी जो समूर्छन मनुष्य होते हैं उसका आयुष्य तो अंतर्मूर्त रहती है ना? बिल्कुल अंतर्मूर्त में ही वो उनकी डेथ हो जाती है। अंतर्मूर्त का मतलब है कि एक समय दो समय से लेकर के एक समय कम 48 मिनट के भीतर भीतर उनकी डेथ हो सकती है, दो समय के अंदर भी हो सकती है, तीन समय के अंदर भी हो सकती है, 5 मिनट के बाद भी हो सकती है, 47 मिनट्स के बाद भी हो सकती है, सो इट डिपेंड्स ऑन देयर नाइट स्पैन। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ जसवंत जी आपका कोई क्वेश्चन कंटिन्यू। हाँ और ये असंगी जो समूर्छन मनुष्य जो है वो एक जगह पे 15 प्लेसेस से उसमें उत्पन्न जैसे पित्त कफ श्लेष्म वगैरह स्थान वो बताई गई है 14 प्लेसेस 14 प्रकार के। ठीक है ब्लड के अंदर भी हो सकते हैं, पित्त जो होता है उसके अंदर भी हो सकते हैं, अन्य जो हमारी बॉडी की चीजें हैं उसके अंदर भी वो जीव उत्पन्न हो सकते हैं, सो यस यूरिन वगैरह मोशन वगैरह ये सब चीजों में जीवों की उत्पत्ति संभव है। हाँ तो समीर जी आज का सेशन यहाँ आपने कंक्लूड करके फिर समाप्त कर सकते हैं। हाँ ओके हाँ बहुत बहुत मेरी नेक्स्ट जो है गुरुवार को संभवतः मैं थोड़ा न्यू जर्सी जा रही हूँ और ट्रेवल उस समय फ्लाइट में रहूंगी इसलिए हो सकता है लेक्चर संभव नहीं होगा, तो आप नेक्स्ट गुरुवार को लेक्चर नहीं रहेगा इससे नेक्स्ट में रह सकते हैं। ठीक है हाँ समीर जी ओके। तो मैं सबकी ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझाया, ये बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है और कितने प्रकार हैं ये सब बताया, तो आपका बहुत बहुत आभार। तो हमने अभी जीवा हमने प्रज्ञापना सूत्र का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, फर्स्ट चैप्टर ओके 36 चैप्टर्स हैं टोटल, सो हमने केवल फर्स्ट को कम्प्लीट किया है और उसमें लगभग 4 लेक्चर्स में वो पूरा चैप्टर कवर हुआ है और सारी डिटेल्स हम आपसे डिस्कस नहीं कर पाए जितना उसमें और भी दिया गया है क्योंकि ये टाइम की लिमिट है और दूसरा ये है कि जो पहली बार सुनता है उसको इतना डिवीजन में वो फिर लॉस्ट हो जाता है, तो जो ब्रॉडर डिवीजन से है वो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छे से लेक्चर को ऑर्गेनाइज किया आप सभी ने और अच्छा पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला है, धन्यवाद। हाँ, आज आपने 32 लाख यूनिया का त्रस्ताई जीवों की बताई, पर्याप्त के सहारे और पर्याप्त जीवों की उत्पत्ति होती है वो भी बताया, देवता और नारक का उत्पाद से सीधा युवा पैदा होते वो भी बताया, असालिक असंगी समूर्छिम होते वो भी बताया, 303 तरह के मनुष्यों के बारे में बताया, बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जीवों के बारे में समझने से उनके प्रति हमारी संवेदना भी बढ़ेगी ऐसी आशा रखते हैं, और अजीव के बारे में समझने से जीव और अजीव के अनादिकाल के संबंध को समझने में सहायता रहेगी, इस आशा के साथ इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। हमारे विज्ञान पर आधारित श्रृंखला का अगला सेशन 21 फरवरी सोमवार को रहेगा,
प्रज्ञा प्रज्ञा सूत्र के आगम पे आधारित है उसका यही श्रृंखला का अगले गुरुवार को छोड़ के उसके बाद के गुरुवार को सेशन होगा। हम विश्व के सभी जीवों के प्रति हमारी मंगल कामना के साथ आज के सेशन को यहाँ विराम देते हैं। अणु परमाणु सिंह बनी जाओ, आखा विश्व मंगल जाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अहम मैया अमर रहो। वंदा में समणी जी, वंदा में ठीक है जस्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।